बरेली में निचली अदालतों द्वारा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हुए बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू महासभा के मंदिर होने की याचिका स्वीकार करने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जुनेद हसन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। बताया कि बदायूं की जामा मस्जिद देश की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है, जो 1223 ईस्वी में बनी थी, जिसे गुलाम वंश के शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने बनवाया था। मस्जिद में तब से लेकर आज तक रोज पांचों वक्त की विधिवत नमाज अदा की जाती है। मालूम हो कि बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान के बुनियादी ढांचे से जोड़ा था। संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई अस्तित्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र और मैथी यथावत रहेगी, लेकिन हिंदू महासभा द्वारा पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 3 के उल्लंघन की कोशिश करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक इसका विरोध करती है। ये बदायूं की एक जामा मस्जिद है, जिस पर कुछ लोगों ने अपना उसमें परिवर्तित करने के लिए एक याचिका दायर की कोर्ट में कि यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था। ये भाजपा के संघ के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जगह जगह इस तरह का देश में नफरत पैदा करने के लिए ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जहाँ सुकून और शांति है, चैन है, अमन है, उस अमन और चैन को ये ख़राब करने की जगह जगह भाजपा के लोग, सपा के लोग एक सोची समझी साजिश के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। मैं जुनैद हुसैन, अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या मांग है आज महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कुछ निचली अदालतों द्वारा जो बदायूं की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक और देश की बहुत ही पुरानी मस्जिद है, उसको कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने मंदिर बताने की याचिका दायर की थी कोर्ट में, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इसमें कानून के अधिनियम के द्वारा 1991 की एक धारा के तहत ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग उसके विरोध में एक ज्ञापन दे रहे हैं, वो माननीय जिलाधिकारी जी को आज दिया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।